हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जे एन टी यू दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बेसिकली अनंतपुर में राइट सो जे एन टी यू अनंतपुर दैट इज़ आंध्र प्रदेश सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं अपलिकेशन फ़ॉर पी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बट ये एप्लीकेशन्स हैं अंडर ए दैट इज़ ए आई सी टी फेलोशिप स्कीम सो उसी के अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया वगैरह है वो होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि है जे एन टी यू ए डॉट ए सी डॉट इन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो डायरेक्टली आपको लेटेस्ट सेक्शन में दिख रहा होगा थर्ड पे है अभी बाद में और नोटिस आए तो ये फोर्थ नंबर पर भी शिफ्ट हो सकता है सो पी फुल टाइम प्रोग्राम अंडर ए दैट इज़ ए आई फेलोशिप स्कीम लास्ट डेट जो है वो है फिफ्टी ऑफ सेप्टेम्बर ओके वो भी एक्सटेंड हुई है ओके सो फिफ्टी सेप्टेम्बर तक दैट इज़ कल तक ही लास्ट डेट है अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उससे पहले ऑब्वियसली आई मीन आज ही अप्लाई कर सकते हैं या कल भी इनफैक्ट लास्ट और जो टाइम होगा उससे पहले तक अप्लाई कर सकते हैं सो चलिए वन बाय वन हम ओपन करते हैं पहले इस नोटिस को देखते हैं एंड इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्टल है जो ओपन हो जाएगा ओके okay? यहाँ से आप एक्सटेंशन देख सकते हैं अदरवाइज लेटेस्ट न्यूज़ में ही आपको फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पे जो नोटिस आया था इस नोटिफिकेशन के लिए ए के लिए वो भी अवेलेबल है तो हम वन बाय वन दोनों ओपन करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटेंशन को या इसके नोटिस को सो दिस इज़ दी नोटिस एंड लास्ट डेट नाउ इज़ फ़िफ्टीन्थ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी सो so, अब अगर आप चाहें तो इसे स्क्रॉल करके यहाँ भी लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है इसमें एडमिशन सेलेक्ट करके यहाँ से भी जो एडमिशन नोटिस आया था उसे देख सकते हैं राइट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन आया था अब हम इसे ओपन करते हैं सो so, ये है एडवर्टीजमेंट ओके सो इसमें मेंशन भी किया गया है कि जे एंड टी अनंतपुर इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम जो भी थ्रस्ट एरियाज होते हैं एडीएफ के अंडर उसके लिए ओके लास्ट डेट बता ही दिया है एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिस सो so नाउ ये है गाइडलाइंस फॉर ए डी एफ सो देखिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखा हुआ है फेलोशिप्स कितनी है सो एट हैं सब्जेक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सी एस सी देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या मेजर जो एरियाज़ हैं थ्रस्ट एरियाज़ हैं सो ऐसा नहीं है सिर्फ यही एरियाज अवेलेबल हैं बट हाँ ब्रॉड एरिया अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं ओके बट और भी किसी एरिया में वर्क करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्राइटेरिया क्या है सो सेवेंटी परसेंट रिक्वायर्ड है यू जी पी जी दोनों में सो बेसिकली या भी प्रिसाइज सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट या उससे ज़्यादा है यू जी पी जी दोनों में तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए या इक्वलेंट अगर ग्रेड है तो येस yes, जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन नाउ गेट नेट रिक्वायर्ड है लास्ट फाइव ईयर्स में आपने गेट या नेट क्वालिफाई किया हो ओके okay? जो भी फैकल्टी हैं जो टी ई क्यू आई पी स्कीम के अंडर सर्व करें उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी एंड देन जो जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स बा, मास्टर्स किया उनके लिए परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो वेव किया गया है बट गेट एग्ज़ाम आपके पास आ, मतलब आपने क्वालिफाई किया हो ड्यूरिंग लास्ट फाइव ईयर्स एज लिमिट थर्टी ईयर्स की है एंड uh, बाकी यहाँ पे फेलोशिप अमाउंट वगैरह है सो थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ होता है प्लस एचार एंड बाकी कंटिनुनसी वगैरह भी होता है टू ईयर्स के बाद थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ फेलोशिप हो जाती है ड्यूरेशन स्कीम की थ्री ईयर्स ही है हावर एक साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है बट फोर ईयर्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा एंड मोस्टली थ्री ईयर्स का ही होगा देन यहाँ रिजर्वेशन एंड अवार्ड कैंसिलेशन दें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा हैं सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं अब अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख लीजिएगा एक बार वेबसाइट पर विजिट भी कर लीजिएगा ओके okay. सो so, येस yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप उस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है सो डू चेक इट आउट एंड बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं अप्लाई करने के तो इसे भी आप देख सकते हैं एंड uh, बाकी बाकीस yes, अगर कोई भी इशू है कोई भी यू नो कन्फ्यूजन है कि अप्लाई करना है नहीं करना है तो बेटर यही होगा कि आप नहीं करें अप्लाई ओके एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग